तो हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम जो न्यू स्टेडियम आया था धर्मशाला का RC24 के अंदर, आज हम उस स्टेडियम के अंदर ही खेलने वाले हैं कि कैसा इसका व्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, कैसा क्या चीज़ होने वाला है। तो और आज से हम जो OSIS 2020 है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स गो। ये अभी धर्मशाला का स्टेडियम डाउनलोड हो चुका है, चलो अभी लेट्स गो इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो व्यू देखते हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात, ओ भाई क्या सही आ रहा है, बट ये दिन का मुकाबला हुआ है, सॉरी शायद चेंज नहीं हुआ सेटिंग में। चलो यार काफ़ी सही लग रहा है मुझे तो, दिखने में तो लुक वाइज बेटर है। ओके लुक वाइज सही लग रहा है। कमेंट्री आपको सबको पता है कि मैं खुद देता हूँ, तो मैं कमेंट्री ऑफ रखता हूँ। इससे कमेंट्री ऑफ रखना मेरे लिए सपोर्ट ये है कि फिर मेरा साउंड बहुत लो हो जाता है खेले में, तो लो साउंड की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं कमेंट्री ऑफ रखता हूँ ज़्यादातर। कमेंट्री अगर आपको किसी की सुननी हो तो फिर मुझे अपना साउंड बंद करना पड़ेगा। ओके चलो, ये कुछ जस्ट काफ़ी सही लग रही है वैसे दिखने में। तो मैं लेता हूँ ऑलवेज हेड देख। ओके स्टेटस वगैरह सही आ रही है, मैं करूँगा पहले बॉलिंग एज यू नो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे लिए बाद में बॉलिंग करना। और मैंने वीडियो अपलोड करके रखी, आप लोग देख सकते हो वो चीज़ वीडियो जाके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे बाद में बॉलिंग करने पर, क्योंकि 7-8 विकेट गिरने के बाद भी मतलब आप हार जाते हो तो फिर क्या ही बताऊँ मैं। ये मेरे कुछ बॉलर्स हैं, पहला ओवर कौन डालेगा मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके मुझे ज़्यादा पता नहीं, 100 ओवर से ही करवा देता हूँ पहला। ओके पायस ऑन द ग्राउंड, चलो लेट्स गो। अभी अच्छा व्यू लग रहा है मुझे देखने में तो, ये प्लस की ब्राउन, ये ब्रांडिंग है इधर, मेड शॉट ट्रेवी सेड, ये गाड़ी है, कैमरा एंगल अच्छा खासा दिख रहा है मुझे तो दिखने में तो। ओके लेट्स गो, किडनी चैंपियंस कौन है, बट 111 में 136 विकेट। पहली बॉल करेंगे मैट शॉट। ओके सही लग रहा है, काफ़ी सही है। ओके कैमरा एंगल तो सही आया है वैसे, मुझे दिखने में सही लग रहा है कैमरा एंगल। जो मेरी फील्ड रहती है एज यूजल मैंने वही रखी है पहले से ही, वो सेव वही पड़ी है, मतलब ज़्यादा मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और ये मेरा पहला गेम है एक्चुअली, पहला फुल गेम। ये क्या था, ये क्या था यार, पहली बॉल पे 6 रन। ओके जो पहली बॉल पे छक्का लगा था उसके बाद हमने कमबैक करने के लिए, ओके मैं विकेटों में रखने वाला हूँ ज़्यादा बोले, हार्ड पिच है तो ज़्यादा स्विंग लग नहीं रहा मुझे आएगा। ओ भाई ये 10 ओवरों का मैच है लेकिन क्या खेल रहे हैं लोग, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं लोग। टप्पा सीधा रखना पड़ेगा लग रहा है मुझे, पहले 2 में 10 आ चुके हैं। और जो डिफिकल्टी आप सबको पता होगा कि मैं हार्ड में खेलता हूँ, तो कैसे खेलने वाले सबको पता है, अभी 2 बॉल में 10 रन आ चुके हैं, लेवल तो अलग ही लेवल का चल रहा है गेम। बॉल सीधी रख रहा हूँ ज़्यादा साइड इफेक्ट मिल जाए। ओके पहला विकेट, ओके सीधी बॉल पे विकेट मिला मुझे, फर्स्ट बॉल सॉरी फर्स्ट बॉल 6, सेकंड बॉल 4, थर्ड बॉल डक, मतलब इन्होंने स्टॉप किया था उस बॉल को। और उसके बाद चौथी बॉल विकेट, बॉल लेट आई थी शायद या बल्ला पहले चला गया था। ओके एलेक्स कैरी ऑन द, ओके ये थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, साथ ही थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा इसके साथ साथ ही। कैमरा एंगल ओके भाई सही दिख रहा है, ओके वेरी गुड, शॉट
स्टेडियम भी काफी सही दिख रहा है मुझे तो। एलेक्स कैरी पहली बॉल भी इनको इसी टप्पे पे डालूंगा, इन स्विंग के अंदर बायड ना हो जाए इसलिए। शॉन एबट 5वीं बॉल, ओ बढ़िया। अरे ओवर थ्रो नहीं, ओवर थ्रो नहीं, चौका ही हो जाता भाई ओवर थ्रो की वजह से। तो ये है ट्रेविस हेड, ब्रियूट बैट्समैन, 132 का स्ट्राइक रेट, 9 अर्धशतक, 1 शतक, बढ़िया। ये कैमरा न्यू आया है वैसे, ये आप देख सकते हो न्यू कैमरा। ये बॉल बिल्कुल के बिल्कुल अंदर डालूंगा तेज गति से साथ। शॉन एवर्ट लास्ट बॉल, ओके चलो चलो नेक्स्ट ओवर। ओके मोइसेस हेंड्रिक्स, थोड़ा सा साउंड कम कर देता हूँ मैं। ओके क्या एक बॉल डाल लूँ थोड़ा सा, नहीं रहने दो यहीं पे डालता हूँ, हर बॉल यहीं पे डालूंगा ज्यादातर इस ओवर की। पावर प्ले 3 ओवर का होगा शायद या 2 का, पता नहीं मुझे, कंफ्यूज हूँ। ओ भाई 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 मुझे लगा चौका ही हो गया, सही आया था ये शॉट वैसे देखने में तो। ओके चलो सिंगल, नहीं डबल आया शायद, जी बिल्कुल डबल। एक और स्ट्रेट बॉल बिल्कुल पेस के साथ, बिल्कुल फास्ट आएगी ये बॉल, ये चौका है बिल्कुल चौका, एकदम बढ़िया शॉट, खूबसूरत, क्या लाजवाब शॉट था ये। ओके एक और स्ट्रेट बॉल बिल्कुल तेज के साथ, ओ भाई चौका, बढ़िया सही लग रहा है मुझे शॉट तो। रिप्ले देख लो भाई क्या सही शॉट आया था ये। द्वारिस एक ओवर लेफ्ट आर्म, सेफील्ड चेंज कर सकता हूँ मैं? ओके नहीं कर सकता। एक और चौका, क्या खूबसूरत शॉट लगा रहा है यार ये, क्या मैंने रूम ज्यादा दिया है क्या इस साइड पे? लग तो नहीं रहा यार इतना ज्यादा रूम मुझे, मैंने ज्यादा रूम दिया हो वैसे। एक और सीधी बॉल अंदर आएगी ये, क्या ये बॉल या सीधी निकलेगी? ओ भाई साहब क्या शॉट है ये, थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए इसमें, क्योंकि देखो बल्ला ऊपर है बॉल नीचे है एक क्लिक में, ये देखो शायद रिप्ले में दिखाए हमको ये। अरे यार रिप्ले में तो सही आया है, रियल प्ले में देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे। लास्ट बॉल इस ओवर की, एक बाउंसर के साथ टेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा पेस के साथ डालता हूँ, थोड़ा सा उतना अच्छा पेस नहीं है मेरे पास, नहीं पेस गलत पे यूज़ किया मैंने, बंद पे सही आई थी एकदम धूम के साथ, फिर एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका मेरा। तो सही थी बट एक्सपेरिमेंट खराब। ओके चलो नवीद जैक्सन बर्ड से मैं लास्ट ही करवाने वाला हूँ, स्टार्टिंग के ओवर नहीं करवाऊंगा, या फिर इसके बाद एक और नॉर्मल डिफेंडिंग। नहीं, ये तो फील्ड ही खराब है यार, या सही रखूँ, ये सही है क्या? चलो इसी फील्ड के साथ जाता हूँ मैं, जो मेरे पहले से मतलब सेट की हुई फील्ड है ये, जो मतलब मैंने रखा था
से 22 में वही फील्ड अभी यहाँ पे चल रही है। ये अच्छा कट सीन है वैसे, कट सीन एंजॉय करो आप, मैं पूरा मैच डालने वाला हूँ वैसे भी है। थोड़ा सा रूम ना देने की, जहाँ पे फील्ड है वहीं पे बॉल डाल रहा हूँ ज़्यादातर। मारेगा तो सामने मारेगा या लेग साइड पे, कुछ इस प्रकार से। भाई एब्सोल्युटली स्टनिंग फील्डिंग भाई ये, भाई साहब बहुत बढ़िया फील्डिंग। ओके यहाँ पे समझ तो आ रहा है मुझे, मोजेस हेंड्रिक्स का एक ओवर हो गया, नवादिस का एक ओवर हो गया, एक थोड़ा सा ऑफ स्पिनर मेरे पास है, जैक्सन एडवर्ड को लेके आता हूँ मैं अभी। ज़्यादा पैसे यूज़ किया है मैंने, स्पिनर्स तो है ही नहीं मेरे पास अभी। इसका तो मैं टप्पा भी पीछे नहीं खींच सकता यार, मतलब गति नहीं है इसके पास बिल्कुल भी। 117 118 की गति होगी शायद, स्लॉट में डाल रहा हूँ हर बार बॉल। ये चौका है, ये देखो देखो 12 के आईटीआई को 117 की, ऐसी ही बॉलिंग आ रही है एक्चुअली में सही मायने में। तो मतलब ये थोड़ा सा चेंजेस है रियल क्रिकेट 24 में। और ये बढ़िया शॉट, स्मूथ शॉट। ओके ये कट सीन्स देख लो पहले, मैं आपको सारे सारे कट सीन्स जितने भी हो पाएंगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ओके चलो ये 5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 पे दिया हमने 53 रन। अभी मेरा 5वां जो बॉलर था मोइज़ीज़ हेंड्रिक्स उसका ओवर कंप्लीट, अभी 4 बंदे बचे हैं। अभी बर्ड का जैक्सन बर्ड मैं एक डलवाने वाला हूँ ओवर। टारगेट 23 का है, 31 पे 4 विकेट है, स्टार्टिंग में करवाना चाहिए था मुझे एक दो ओवर। मुझे नहीं पता जैक्सन बर्ड क्या काम करता है वैसे, मुझे जैसा लग रहा है कि मतलब शायद स्टार्टिंग के ओवर यही डालता होगा शायद, बट मैं अपने हिसाब से बॉलिंग करवा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बीबीएल का नॉलेज है नहीं ज़्यादा। ये ऑप्शन है इसके बाद, ये चौका थोड़ा सा स्क्वायर रखूँ क्या फिल्टर को मेरा। चलो मैं थोड़ा सा स्क्वायर रख रहा हूँ, स्क्वायर शॉट ही ज़्यादा आते हैं, मतलब पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि स्क्वायर शॉट है वो बहुत ज़्यादा डालते हैं ये मतलब बैट्समैन। ये शॉट, इस शॉट का कोई जवाब नहीं है उसे, मैं कुछ भी लेंथ डाल लूँ कुछ भी कर लूँ कहीं भी फील्डर लगा लूँ नहीं होगा, नहीं रुक रही बैट्समैन। ये शॉट अगर कोई बैट्समैन मार रहे तो मारने दो सीधी बात। 29 में 52 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 16 में 39 बनाए ट्रेविस हेड ने, हेड ने धोया वैसे मुझे फुल धोया एकदम। 62 पे 10 ओवरों के अंदर अभी मैच कंटिन्यू है। ये ओके पहला विकेट, ओ भाई क्या ड्रॉप, यस टाइमिंग सही नहीं आया था क्या हिट भाई, नहीं ये कि मौका था मेरे पास, आई थिंक टाइमिंग सही नहीं आया था मेरा, थोड़ा सा लूज हो गया था बॉल के नीचे आ गया था, बट टाइमिंग लूज मिस्टेक हो गई थी इससे, काम हो गया था सब कुछ हो गया था, बट ये मुश्किल था बट ये होना चाहिए था। कॉल करवाऊँ वापस, ओके टाइम आउट 2.5 मिनट का, ओके टाइम आउट यहाँ पे होता है ख़त्म। 4 3 2 1 लेट्स गो, बस इतना नाबीद का करवाता हूँ पहले ख़त्म। ये डलवाता हूँ लेग स्पिन, हाँ मारेगा ये देखो पीछे खिलाड़ी है इस बार मेरा, चौका नहीं बच गया है। हाँ मुझे लगा सर कैमरा ऊपर गया तो मुझे लगा सर चौका हो गया। चलो यार अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्टेज में, अच्छी फील्डिंग उधर। ये कोर लेग स्पिन डालूंगा इस पर, थोड़ा सा पेस कम कर रहा हूँ, उतनी ज़्यादा पेस नहीं रखूंगा इस बार। इसको सामने मारा यार, और क्या मारा क्या बात है, काफ़ी गजब शॉट, काफ़ी बेहतरीन शॉट। 20 पे 50
भाई धोया एकदम, साबुन सर्फ लगा के धो रहा है मुझे अभी फिलहाल। ट्रेविस हेड, ये इंडियंस के लिए ना ट्रेविस हेड बहुत बड़ा खतरा है वैसे, जब भी मिलता है इंडियंस से बहुत मारता है यार ना, तो शायद थोड़ा सा काम मुझे आसान हो जाए। ओके रुको, टप्पा ढूंढना दो पहले। ओके लेग स्पिनर, बहुत ऊपर आ गई, बहुत ऊपर आ गई लगता है मुझे। ओके पहला विकेट नाबिद के लिए, पहला विकेट, कम ऑन, बढ़िया। लेग स्पिनर जो मैंने सोचा था वही हुआ, लग रहा था कि बहुत ऊपर आ गए बट नहीं, ऊपर आई थी बट लॉफ शॉट के लिए, और लेग स्पिनर जो विकेटों के अंदर आ रही थी जो मैंने पहले ही बोला वो अंदर आ गई थी बॉल, तो बल्ले के बिल्कुल एज पे लगी थी ये बॉल जितना मुझे लग रहा है, अभी पता चलेगा। ये देखो बल्ले के बिल्कुल एज पे लगी थी ये बॉल, बल्ला हिल गया था हाथ में, और ये एक शानदार कैच, बहुत बढ़िया। नाविद के लिए पहला विकेट, और ये आया अभी होस नाम से कोई प्लेयर है, इसके लिए मुझे ना वापस उसी ऑप्शन में आना, एक्शन में आना होगा। ओके ये गूगली पेस के साथ पहली बॉल होस, भाई हिट, पूरा मिस कर गया मैं, थोड़ा सा हल्का सा मेरे और होती ना बॉल बंदा आउट था ये। चलो इन्होंने बना दिए 7 ओवर में 75 रन, अभी मेरे पास है 3 बॉलर, बर्ड, एबर्ट और द्वादिस। एबर्ट से लास्ट करवाता हूँ, द्वादिस से अभी करवा लेता हूँ। ज्यादा रन बनाने दिए नहीं है वैसे मैंने इनको, स्ट्रेट बॉल बिल्कुल पेस के साथ प्रॉपर पूरी फेस के साथ आएगा ये, और ये कैच, और ये कैच, बढ़िया। उसका दूसरी बॉल में विकेट, बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। तो उसको जाना पड़ेगा वापस, 2 बॉल 0 रन, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी है, मैंने डाली थी पेस के साथ, प्रॉपर पूरा पेस दिया था मैंने इसको, और आई देखो चेस्ट के पास और सामने तरफ मारा, और ये शानदार कैच, बहुत बढ़िया। ओके न्यू बैट्समैन है कॉलिंग डी ग्रेड होम, ओके जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, सॉरी ऑलराउंडर है। ओके चलो 8 ओवर में 77 रन, 3 विकेट बट है ना, और एक चीज़ और अच्छी हुई है RC24 के अंदर, पहले जैसे मतलब 30 38 के अंदर भी बॉल होती है ना तो वो सिंगल 100% हो जाएगा, बट अभी नहीं हो रहा, अभी मैं देख रहा हूँ नोटिस कर रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा अच्छे पेस के साथ जा रहा तो सिंगल नहीं हो रहा, इसमें बिल्कुल पेस नहीं दूंगा, बिल्कुल लो पेस। भाई इस पे मार दिया, इस पे शॉट मारा इसने यार, बिल्कुल स्लो डाली थी मैंने, और ये शॉट वो है जो मेरा फेवरेट बन चुका है, एक्चुअली मैं स्टेट स्मिथ लगाया करती थी वैसे, मैंने पिछली वीडियो में बहुत शॉट लगाया था, ये वीडियो शॉट भी चढ़ाया था मैंने ये इस शॉट के ऊपर। ओके 100 बट लास्ट ओवर, पहली बॉल स्लोअर और बिल्कुल डंडों के अंदर योर करवा लीजिए, अरे यार क्या शॉट निकाला इसे। ओके चौका, अभी तो दोनों बैट्समैन मतलब रन मारने को देख रहे हैं यार, तो लास्ट ओवर यही बोल रहा था कि लास्ट ओवर है इसलिए मार रहे हैं रन। ओके 3 में आ चुके हैं, 10 11 11 रन। ओके अरे यार कमेंट्री बॉक्स तो चेंज हुआ है, कमेंट्री बॉक्स भी चेंज हुआ है, काफी लुक भी अच्छा लग रहा है ग्राउंड का। ये लास्ट बॉल है वैसे इस इनिंग्स की, अगर चौका लगा तो 100, छक्का लगा तो 102, वो छक्का ही मारा इसने, पारी का पहला शॉट और पारी का लास्ट शॉट दोनों सेम। दस ओवर 2 रन, कॉन्ग्रेचुलेशंस एडिलेड, मैंने बॉलिंग ठीक की ना, 10 ओवर में 100 रन दे दिए यार मैंने, दो रेविशेट ने धोया मुझे सबसे ज्यादा।
ओके अभी मेरी टीम में है ये फिलिप्स, देन ओपन कराऊंगा मैं, इससे ओपन कराऊं टीम्स में 6 करवा लेता हूँ, छोड़ो। ओके इट्स माय टर्न टू फोर बैट, इट्स माय टर्न। हर ओवर में 10 रन चाहिए दोस्त, पर ओवर 10 रन कंपलसरी। पहला ओवर है पीटर सिडल नाम से एक बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसका ओवर है ये। ओके फिलिप्स 80 मैच 1951 रन। वैसे स्टेट्स में तो जो है फिलिप्स है, जोस फिलिप्स नाम है शायद इनका, तो उनका दोनों का जो बैटिंग है ना वो एकदम सेम है। ओके दो पहले ओवर पे 2 रन के साथ साथ 4 रन कंप्लीट। ओके ग्राउंड को थोड़ा सा रियलिस्टिक किया। ओ भाई क्या कैमरा एंगल ऐड किया इन्होंने, भाई साहब मस्त कैमरा एंगल है यार। ये कॉनवे है, एच कॉनवे नाम से कोई है बॉलर। रन तो बनाने पड़ेंगे, देख पहले ओवर में 4 रन आए बस, तो ओपन में चाहिए 99। बल्ले पे बॉल भी सही आ रही है बट रन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। ये बढ़िया शॉट और ये पहला चौका, एक विकेट। अच्छा शॉट था, बिल्कुल जड़ पे डाली थी ये बॉल, यॉर्कर की टाइप से थी पर प्रॉपर यॉर्कर नहीं था, बट ये शॉट अच्छा था, क्या मस्त शॉट था ये, बढ़िया। टी स्मिथ 8 बॉल में 8 रन, 6 की रन रेट से खेल रहा हूँ अभी तो मैं। भाई शिट, एज लग के आउट हुआ यार। छी भाई क्या यार, नो टी स्मिथ को आउट करवा दिया यार मैंने, 4 बॉल में 5 रन। मुझे लग रहा है विकेट बहुत ज़्यादा जाएंगे इसमें, विकेट जाएंगे इस मैच में बहुत ज़्यादा। हिट हो गया था ये, लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा था वैसे। एक लेफ्ट हैंडर चाहिए मेरे को, ये कौन है डिफेंसिव है यार, तो डिफेंसिव से मैंने आज तक नहीं खेला सच में, तो डिफेंसिव बैट्समैन से आज तक मैंने खेला है नहीं है गेम में, तो मुझे नहीं पता ये किस टाइप से शॉट खेलने वाला है। पहला ही बॉल लॉफ्ट घुमाता हूँ भाई, 6 रन पहली बॉल 6 रन। इनका नाम है पटिनसन है या पेटर्स, मतलब पेटरसन है कुछ पता नहीं, मैंने नाम ही सही नहीं पढ़ा था, बट क्या मस्त शॉट था यार, हार्दिक पांड्या का शॉट था ये, इसका नाम है पटरसन। ओके हमारे लिए तो कोई भी हो, हमें से क्या चौका। भाई ये होता है फायदा जब आप मतलब किसी का चांस ना जानते हो, उस हिसाब से आप लॉफ्ट शॉट खेलती हो अपने आप। मैं कभी भी डिफेंसिव बैट्समैन से नहीं खेला एक्चुअली में, क्योंकि मैंने हर बार लिया है इंडियन टीम में, इंडियन टीम में शायद ही कोई डिफेंसिव होगा, अगर कोई होगा तो मैं उसके साथ बैटिंग नहीं आई होगी शायद, डिफेंसिव से इसलिए खेला ही नहीं मैं। ओके ये कि घुमा तो रहा हूँ शॉट, मुझे नहीं पता है कि क्या शॉट आएगा, ये क्या शॉट चौका है क्या भाई, बढ़िया चौका। तीन आ चुके हैं 14 रन, ये वही फील्ड है जो मैंने रखी थी एक्चुअली में, थोड़ी बहुत पूरी प्रॉपर मेरी जैसी नहीं है, बस थोड़ी बहुत मेरी फील्ड जैसी है। 2 में 22 क्योंकि तो पहले में थे नहीं रन। अब है फिलिप्स, ये यॉर्कर थी और उसको क्या शॉट मारा है यार फिलिप्स ने,
काफी मस्त शॉट था ये, कवर्स के साइड से शॉट। ये मुझे समझ नहीं आ रहा अभी से वीडियो का वगैरह क्यों डालते हैं, थोड़ा सा स्विंग कराओ बॉल को, थोड़ा सा लेंथ बॉल रखो, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा आपको ट्विस्ट एआई में। क्यों पहले होता था कि मतलब बॉलर्स भी आके तो आप 6-7 विकेट लेके आप मतलब आराम से हार जाते हो ना, तब भी, इसलिए ये किया गया है। मेरे साथ हुआ है ये पहले बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैंने 210 नहीं 220-225 रन बनाए थे, मैंने 7 विकेट ले लिया, फिर भी मैं मैच हार गया था मैं, तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया इस मतलब अपडेट के अंदर, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ है ये, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा ये चीज़ सुन के। राशिद कुछ इस प्रकार के शॉट चाहिए चाहिए मुझे, कंपल्सरी शॉट है ये 6 रन, बढ़िया शॉट। फिलिप्स रहा है 73 मीटर का छक्का, ये ओके सिंगल, फिर से नहीं डबल चौका होना चाहिए था, ये डबल मिलेगा। ओके okay. चार में आ चुके हैं 42, चौका, बढ़िया बढ़िया शॉट। लेंथ पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ही शॉट मारना पड़ेगा इसके अंदर, जो काफ़ी सही होता है। अभी क्या स्ट्रेटजी है इन लोगों की, लगता है वीडियो का डालेगा, नहीं यार वीडियो को तो नहीं डाले इसने, शिट शिट। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल गोली के अंदर ले लिया मैंने इस बॉल को, थोड़ा सा बाहर से खेलता तो अच्छा होता, बिल्कुल बॉडी के अंदर आ गई है बॉल, मुद्रा शायद थोड़ा सा तो स्विंग होगा ही होगा, ये देखो बॉडी के अंदर ही आ गई है, इसलिए ये फील्डर रखा था इन लोगों ने कि ये शॉट आए शायद। जेम्स बीन्स रेडिकल के बैट्समैन नहीं है, पर इसी रन रेट से मैं खेला ना तो मैं जीत जाऊंगा एक्चुअली में, क्योंकि 51 102 103 बनाने हैं मुझे, 30 में 52 चाहिए मुझे। केविन पीटरसन भाई 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 क्या शोर था ये रेट, जो मैंने विंस का देखा था, जो मतलब भले मैंने लेग साइड में लगाया था, बट वो मेरे पास आया था वो रेट का, पता नहीं कैसे आया, बट हाँ मेरे लिए फ़ायदा वही है कि मुझे पता चलेगा कि ये भी शॉट है इसके अंदर, तो ये मैं शॉट पहले एडजस्ट करके रखा हूँ, बट डिफेंसिव का मुझे नहीं पता, मैं अटैक करवाने वाला डिफेंसिव से ही। आपका ओवर समाप्त हुआ और ये आ गया कैटरी टाइम आउट, 2-1 स्टार्ट। 10 बॉल 28 रन, साथ में है वॉइस, ये अच्छा शॉट है, बल्ले पे आया 6 रन, अब तो अटैक करवाना पड़ेगा हम दोनों साइड से, विंस को भी मैं बोलूँगा कि अभी मतलब अटैक करें, लो पैटर्न के साथ ही खेलना पड़ेगा, बट धीरे धीरे में सिंगल डबल भी निकालने हो गए। अभी 6 आ गया, लूज बॉल आई तो चौका छक्का मारूंगा, नहीं तो बढ़िया बॉल चौक सिंगल। ये कौन आया, ट्रेविस हेड से भी करवा रहे हैं बॉलिंग, ओके ये देखो ये इतना मस्त है ना कि मतलब ऑफ्सनर को लेके आ गए, इनको पता है कि अभी पीटरसन मार रहा है रन, ये चौका है नहीं है, ये भी चौका नहीं है, 2 आ जा, 13 का आ चुका भाई रिक्वायरमेंट, अरे यार क्या ये यार, डिफेंसिव का मुझे नहीं पता था शॉट, मुझे लगा भाई शॉट आएगा वापस,
मैं गलत खेल गया, ये शॉट गलत था मेरा, डिफेंसिव का पता नहीं था तो कौन सा आएगा, तो वही लगा कि मतलब कि शॉट वही आएगा जो मैं पहले खेल रहा था से, तो हो गया भाई मैच खत्म। ओके टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में ही मिलना पड़ेगा अभी तो है क्या, क्या फायदा, ये शॉट चाहिए था मुझे 2 बॉल पहले, लास्ट ओवर में मुझे चेस करने पड़ते ना 15-10 रन, तो मैं कर देता। विंस ने पूरा मैच खत्म करा दिया सच्ची में, शॉट लगा ही नहीं उसकी। अभी विंस का जरा ये कौन है, पीटर सिडर, लास्ट ओवर 12 बॉल में सिर्फ 4 रन, सॉरी 7 रन। ये लो टाइमिंग आ ही नहीं रहा, डबल तो आ जा, डबल 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 आ जा, आउट तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, 5 में 20 चाहिए उसको आने दे स्ट्राइक पे। सिंगल, ओके सिंगल, ओके कोई बात नहीं, अरे चौका है भाई चौका, बढ़िया 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 यार, कितने टाइम के बाद खेल रहा हूँ RC24 में, ये फर्स्ट गेम है तो मतलब मुझे ज़्यादा इतना समझ नहीं आ रहा इसमें, रन तो बहुत चाहिए दोस्त। ओके सिंगल, नहीं बनेगा लग रहा है मुझे, 3 में बहुत चाहिए अभी भी मुझे, ये क्या सोचा कोई, वो ट्रेविस हेड का एक ओवर, फिर मैथ्यू फोर्ड का एक ओवर, पूरा मैच बदल के रख दिया उसने। बावन 96, हाँ जीत सकता हूँ मैं अभी भी अगर ये चौका छक्का आ जाए तो। ये चौका है क्या, 96 बनेंगे, 96 और 6 यार, इक्वेशन वही आ रही है सिर्फ, जीतने चांसेस बहुत कम है, छक्का चाहिए तभी जीतूंगा, ये तो हो गया काम, एक छक्का 7 रन चाहिए सुपर ओवर के लिए, हार गए मैच, पहला मैच हार गए, मैं टू शॉट ट्रेविस हेड ने मुझे मैच हरवा दिया, जीता हूँ मैच। ओके ये न्यू एनिमेशन देखो, मैं ज़्यादातर मैचे आ रहा हूँ जो है मैं बाद में बॉलिंग किया है, ये पहला मैच आ रहा हूँ जो पहले बैटिंग करते मतलब बॉलिंग करते हुए आ रहा हूँ पहला मैच। ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और ये मेरा पहले गेम प्ले था तो मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँगा इसको, और चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना शेयर, और कोई गलती लगी तो करना कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।